देखो। देखो। आप भी। जी बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी यस चलें अच्छा बेटा ये है कि अपने माइक म्यूट कर लीजिए ताके मैं इजीली आपके जो है आप मुझे चैट कर सकते हैं लेकिन माइक जो है वो आपने म्यूट कर लीजिए चलें जी अच्छा बेटा बिस्मिल्लाहमान कल थोड़ा सा हम लोगों ने जो भी काम किया उसमें मसला था कि आप लोगों को आवाज़ का प्रॉब्लम काफी रहा है और लिंक जो था वो सेंड हो चुका था लेकिन थोड़ी तो बहुत जैसी भी जिस तरह भी आवाज़ थी वो आती रही वो आपको मैंने एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दिया तो आज जो है हम इनशाला कोशिश एक ही पेज किया था पेज नंबर जो है एटीन किया था और नाइनटीन पे हमने उसको एंड किया था आज जो है मैं कोशिश करूँगी आपको दोबारा से उसको रिकॉल कर लू समझा दू रिविजन उसकी कर दू ताकि आपको अच्छे तरीके से बाकी का भी समझ आ जाए अच्छा जी नज्म और जब्त कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर फोर किया था उसका नाम था नज्म और जब पेज नंबर अठारह पे था और इसके मानी मफहम ये दोनों जो हैं अरबी जुबान के अल्फाज हैं और इसका मतलब क्या है नज्म का वक्त मतलब होता है आ, किसी लड़े में परोना तरतीब देना नज्म का मतलब है परोना तरतीब देना और जब का मतलब रुकावट के है ठीक है परोना तरतीब देना मफूम जो है नज्म का परोना या फिर तरतीब देना जैसे मैनेज करना किसी चीज को और पिरोने का मत मतलब आपको बताया था मतलब कल कि जैसे हम तस्बी में दाने परोते हैं ठीक है जैसे आप बीट्स को अपने नेकलेस में परोते नेकलेस के लिए तैयार करते हैं तो वो इसी तरह से इसका मतलब भी पिरोना है एक लरी में पिरोना और वैसे अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ है होता है कि अपने कामों में किसी का कायदे और कानून की पाबंदी करने को नजमो जब कहते हैं ठीक है यानी कामों में किसी कानून की और कायदे की पाबंदी करने को न... <स्थ> कहते हैं तो बात ये के जो लोग अब आगे इसकी इम्पोर्टेंस पे आएंगे हम मफूम हमने देख लिया कि ये दोनों वर्ड जो हैं अरबी जुबान के लफ्ज हैं और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अरबी जुबान के लफ्ज हैं और इनका मतलब है फिर रोना तरतीब देना हुसने तरतीब या फिर और रब के मायने रुकावट हैं तो अपने <coughs> फायदे और कानून की पाबंदी करने को नजमो जब कहते हैं ठीक है थीके? फिर जनाब इसकी अहमियत आ जाती है नंबर टू पॉइंट पे हमारे पास क्या है जो हमने कल देखी अहमियत क्या है कि जो लोग जिंदगी में नजमो जब से काम लेते हैं उनकी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा खुशो और खुशहाल गुजरती है वो खुश वुरम जिंदगी गुजारते हैं सुकून से जिंदगी गुजारते हैं और जो लोग इसकी पाबंदी नहीं करते इसको आप अपोजिट कर लें बिल्कुल उनकी जिंदगियों में क्या कहते हैं सुकून नहीं होता तरतीब नहीं होती, नहीं होती। जैसे जो बच्चे सुबह सुबह उठते हैं नमाज कुरान पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आराम से तैयार होके अपना नाश्ता करते हैं नाश्ता ना भी करें अपने बैग वगैरह चेक कर लेते हैं बल्कि होना तो ये चाहिए कि रात को ही आप लोग अपने बैग सेट करके सोएं लेकिन आप फिर टाइम पे वैन में आपकी जो भी आपकी जो कन्वेंस है उस पर आप बैठते हैं और स्कूल आ जाते हैं आराम से क्या नतीजा होता है कि क्योंकि आपने अपने कामों को मैनेज किया तरतीब दिया जो हमने नज्म का मफहम देखा तरतीब देना तो इसके बरअक्स वो स्टूडेंट वो तालब इम जो के अपने कामों में तरतीब का ख्याल नहीं रखते स्कूल जाने से दस मिनट पहले उठे वो सर झार मुंह पहाड़ ता तैयार हुए सही तरीके से ना नाश्ता कर पाए ना चीज़ों को सही तरीके से रख पाए और इसके अलावा सुबह की नमाज भी गई तो वो बच्चे जो हैं आप देखे पूरा दिन वो अपसेट रहेंगे कोई चीज़ होगी कोई चीज नहीं होगी क्योंकि रात को भी ऐसे बच्चों से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अपना बैग सेट करके रखें तो ये इसकी अहमियत ये है कि हमारी जिंदगी में नजमो जब को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है क्योंकि हमारे निज़ाम का इनाद हमने अपनी जिंदगी की बहुत सी चीजों से नजमो जब को देखा है अब सबसे पहले किन किन चीजों से हमें पता चलता है जो निजामे कायनात है कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला का बनाया गया निजाम क्या है ये एक खास तरतीब है सूरज जो है वो अपने वक्त पर तलू होता है और मशरिक से होता है कभी नहीं हुआ कि सूरज कभी गलती कर दे कि वो जनूब से आ जाए ऐसे ही है ना और इसके बाद क्या होता है फिर इसके बाद जो है चांद वो भी अपने जो औकात है उसके शाम के शाम को निकलता है और पहली तारीखों का चांद जो है वो बहुत छोटा होता है बारीक होता है और बाद का जो चांद है वो आहिस्ता आहिस्ता चौदहवीं का जो चांद है वो आहिस्ता 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 बढ़ते हुए क्या हो जाता है वो फुल मून जिसको हम कहते हैं रोशन होता है फिर उसके बाद पंद्रह सोलह से ये घटना शुरू हो जाता है तो आप ये देखें कि अल्लाह तला का जो निज़ाम है उसमें एक तरतीब है एक खूबसूरती है कभी भी नहीं हुआ कि चांद जो है वो भूल जाए कि जी अब मैंने छोटा भी होना या अब चांद जो है मैंने फुल मोन भी बनना है चौदवी का चांद जिसको बदर भी कहते हैं और पहली रात के चांद को हिलाल कहते हैं तो इस तरह मौसम निजाम कायनात में जो तीसरी चीज शामिल है पहले मैंने आपको बताया है सूरज के हवाले से मिसाल दी है सूरज और फिर चांद की और फिर मौसम अब मौसमों का क्या है जैसे गर्मी सर्दी बहार और हिजा गर्मी सर्दी बहार तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई मौसम जो है वो वक्त से पहले आ जाए यहाँ सर्दी आए तो फिर जाने का नाम ही ना ले ऐसे नहीं होता हाँ कई मुमालिक हैं जहां पे पूरा पूरा साल रहती है लेकिन वो वहाँ की आबो हवा क्लाइमेट जो है ऐसा ही है वहाँ पे जो है सर्दी जो है वो पूरा साल रहती है और गर्मी भी गर्मी भी बहुत से ममालिक दो दस महीने गर्मी ही होती है और एक आधा महीना बड़ा सुकून से लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में सर्दी जो है पूरा पूरा साल भी बाजार रहती है कई कई महीने सूरज नहीं निकलता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन मौसमों से नवाजा है अच्छा जी कल हमने यहाँ तक किया था अब हमने आगे करना है हमारा दीन परिंदे हशरातुलर्ज की मिसालें भी देख लें कल मैं आपको बता रही थी कि जैसे चींटी है वो कितार में चलती है कभी नहीं आपने देखा होगा कि वो रश लगा हो चिंटी के ऊपर एक च्यूटी धक्के ले रही हो एक दूसरे को वो आपको पता छोटे छोटे से मुंह में डाल के जाती हैं और एक लाइन में जाएंगी कभी आप दीवार के साथ उसको देखें तो वो एक लाइन में ही चल रही होंगी कभी उनको उसको तो किसी ने नहीं सिखाया लेकिन वो जो है खुद ब खुद एक नजमो जब तरतीब से चलती है फिर ये है और अपना जो गजा है उसको स्टोर कर लेती है सर्दियों के लिए फिर ऊंटों का मैंने कल भी आपको बताया था ऊंट जो है वो कैमल्स जो आपने चाहे मूवीज में देखी हो या कभी आपको रियलिटी में देखने का इतफाक हुआ हो तो आप देखें कि वो भी एक चलते क्यों में उनको भी कोई नहीं बताता लेकिन वो कारवां जो है काफिला ऊंटों का वो कभी साथ साथ जुड़ के नहीं चलते बल्कि आगे पीछे चलते हैं कितार में चलते इसके बाद हमारा दीन जो है दीन इस्लाम में दर्ज हमें मिलता है नजमो जब का यहां से हमने आज स्टार्ट करना था और मैं अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ हमारा दीन भी हमें नजमो जब का दर्श देता है दर्स का मतलब है सबक यहां पे मैं मुश्किल अल्फाज के मायने लिखती चली जाती हूँ पेज नंबर नाइनटीन से हमने स्टार्ट किया है और दर्स सबक अब दीन इस्लाम हमारा दीन जो है वो भी हमें नजमो जब का दर्श देता है सबक देता है मुक्रा औकात में नमाज पंजगाना की अदायगी आप देखें दिन इस्लाम में क्या-क्या चीजें आ जाएंगी नमाज आएगी जो कि हम एक अमाम की क्यादत में पढ़ते हैं ये ही नहीं हुआ कि इमाम साहब रकू में हो और बाकी पीछे नमाजी जो है वो सजदे में चले जाए ऐसे नहीं होता फिर उसके अलावा रोजा रमजान के महीने में जब हम रोजे रखते हैं इसमें भी हमारे लिए एक डिसिप्लिन है वक्त की पाबंदी है शहरी से लेकर अफतारी तक कुछ ना खाना पीना यह भी हमें नजम का एहसास दे है अब ये नहीं होता कि कुछ लोग जो हैं वो शहरी के वक्त खा पी लें और कुछ जो है वो कहे चलो जी सात आठ बजे में खा लूंगा या फिर दस बजे खा लूंगा और इफ्तारी इकट्ठी कर लेंगे ऐसे नहीं होता और इसके बाद जब ईद होती है ईद का ऐलान होता है तो फिर वो भी वो भी हम जो है ईद भी जो है इकट्ठी ही मनाते हैं ऐसे ही होता है ना फिर उसके बाद होता है जनाब हज का फरीजा भी खास आयाम में सर अंजाम पाता है अब दीन इस्लामी ये देखें ये चीजें आ गई नमाज आ गई रोजा और फिर उसके बाद हज अब हज में क्या होता है कि तमाम मुसलमान दुनिया के कोने कोने से आए हुए वो क्या करते हैं इनका लिबास एक ही होता है कितना खूबसूरत लगता है कि एक ही लिबास में ये मनासी के हज अदा करते हैं और फिर रकू करते हैं सजूद करते हैं नमाज अदा जब करते हैं तो वो बहुत ही हसीन लम्हात होते हैं और दिल चाहता है कि इस लम्हा को देखते ही चले जाए बहुत बाबरकत आयाम होते हैं ये तो नबी करीम ये अब हमारे दीन इस्लाम में जो था दर्श ये यहाँ तक ये पैराग्राफ खत्म हो गया और इसमें तीन मिसालें आ गई हैं नमाज की रोजे की और हज की जक़ात जो है वो बेटा इसमें नहीं आते इसलिए क्योंकि हम लोग जक़ात जो है वो किसी टाइम भी साल में अदा कर सकते हैं खास तौर पे रमजान के महीने में जक़ात देना वाजिब है लेकिन ये है कि फर्ज नहीं है कि इसी महीने आप दे दें या आप किसी भी आ, साल में आ, अदा कर सकते हैं इकट्ठी दे सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके भी दे सकते हैं अच्छा जी आगे पैराग्राफ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल् नजमो जब को बहुत अहमियत देते आप जब नमाज के लिए खड़े होते तो सबसे पहले सफे सीधी करवाते सफे आप समझते हैं ना सा नमाजी जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े होते हैं आप फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सफे सीधी करो सफे टेरी मत बनाओ वरना अल्लाह तुम्हारे दिलों को भी टेरा कर देगा अब तालब इल्म की मिसाल आ रही है अगली जो है मिसाल ये हम डिस्कस कर चुके हैं अब जो मिसाल है वो तालब इम की मिसाल है जो अब आप मैं आपके सामने रीडिंग करने लगी हूँ वो मिसाल है तालब इम की तालब इम की मिसाल के वो तालब इम जिसकी जिंदगी में नजमो सब की कार फरमाई होगी जिस वो तालब इम जिसकी जिंदगी में नजमो सब की कार फरमाई होगी कार फरमाई का मतलब क्या है कार फरमाई का मतलब होता है कि अमल करना वो तालब इम जो नजमो जद पर अमल करेगा कार फरमाई का मतलब अमल करना कल मैंने आपको यही आपको दिया था कि आपने इसको अल्फाज मैंने याद करने हैं कार फरमाई अमल करना वो तालब जिसकी जिंदगी में नजमो जब्त की कार फरमाई होगी वो एक खास तरतीब से काम अपने सारे काम करेगा इसके सुबह जागने नमाज पढ़ने वर्जिश करने नाश्ता करने स्कूल जाने वापिस आने आराम करने खेलने और काम करने के औकात मुकर होंगे औकात किसको कहते हैं औकात का मतलब होता है बच्चों वक्त की जमा है वक्त वक्त, वक्त की जमा औकात और उसके ये तमाम काम करने के जो को तो, जो वक्त है वो मुकर होगा यानी जिसको हम इंग्लिश में भी टाइम टेबल भी कह सकते हैं कि उसने अपने काम करने का लिए ये टाइम टेबल बनाया होगा नजब की वजह से इस इम्तिहान में भी कोई परेशानी नहीं होगी क्यों उसने हर काम अपना वक्त से किया होगा हर लेसन को वक्त पे याद किया होगा तो इसलिए जब इम्तिहान आएंगे तो उसने तो बस रिविजन करनी है इसके बरअक्स अभी मैंने आपको मिसाल दी है यही एक ऐसा तालबिल जिसकी जिंदगी में ज़ब्त नाम की कोई चीज ना हो जिसके जागने खेलने काम करने और टीवी देखने के औकात मुकर ना हो तो इम्तहान के वक्त सख्त परेशान हो जाता है ठीक है अब यहाँ खेल की मिसाल है ये तालबिल की मिसाल थी नंबर सेवन पे होगी खेल की मिसाल खेलों की या खेल की मिसाल ये मैंने पॉइंट बना दिए आपके लिए जाए साथ, साथ ताकि आप इस समझ भी लें और आपको याद भी हो जाए क्योंकि कल हम जो है इनशा अजीज इसके सवाल जवाब करेंगे खेल के मैदान की मिसाल भी है जो टीम बेहतर नजमोज का मुजाहरा करती है और जिसके खिलाड़ी टीम के मफाद को अपने जाती मफाद पर तरजीह देते हैं वो हमेशा कामयाब और सुरहरु रहती है सुरहुरु का मतलब भी कामयाब होता है यहाँ मैं लिख लू सुरहरु कामयाब तो वो टीम हमेशा कामयाब रहती है और इसके बरअक्स जो टीम नजमो जब से महरूम होती है जो टीम नजमो सबसे महरूम होती है उसके मुकद्दर में शिकस्त लिख दी जाती है ठीक है आगे है जी बदकिस्मती से हमारे यहाँ बदनज़मी के मनाजिर देखने को मिलते हैं अब वह अपने जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो हालात है नज़मोज़त के उसकी डिस्कशन कर रहे हैं बदनजमी के मनाजर मैं इसको ये हेडिंग दे रही हूँ आपको समझाने के लिए अब हमारे यहाँ बदनज़मी के मनाजिर कहाँ कहाँ देखने में मिलते हैं वो हम देखते हैं। जी ऐसा करने वाले अपने लिए मुश्किल पैदा करते हैं और दूसरों को भी मुसीबत में डाल देते हैं मिसाल के तौर पर अब बदनज़मी के मनाजिर जो हैं बेटा वो अब उसकी मिसालें अब आप देख लें कि कहाँ कहाँ देखने में मिलते हैं बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर खड़े गाड़ी या बस का इंतजार कर रहे होते हैं और जो ही बस या रेलगाड़ी आती है तो क्या होता है हर कोई इसमें दाखिल होने की कोशिश करता है और यही हालात हमारे किसी कैफेटेरिया में भी होते हैं कैंटीन पे भी होते हैं हम डिसिप्लिन नहीं देखते हम लाइन में नहीं खड़ा होना चाहते हर कोई सबसे पहले सवार होना चाहता है बहसो मुबासा करता है धक्कम पेल होती है धक्कम पेल का मतलब होता है धक्के लगते हैं और अगर ये लोग आपस में उलझने की बजाय उलझना झगड़ना और अगर ये लोग आपस में उलझने की बजाय नजमो जब से लेकर कितार बना लेते तो कितनी आसानी होती ठीक है हमने खेल की मिसाल भी देख ली बदनजमी के मनाजिर भी देख लिये खासतौर पे ये कहा नजर आते हैं बस स्टॉप पे रेलवे स्टेशन पे या फिर कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस पर जहां पर जो है कोई चीज मिल रही हो ऐसे लगता है जैसे मुफ्त बंट रही है क्योंकि लोग एक दूसरे के ऊपर धक्म पे करते हैं आपस में दस्तों गरेबा हो जाते हैं आगे जी दुनिया के अजीम लोगों की मिसालें दी जा रही हैं कि दुनिया के अजीम लोगों की जिंदगी का जायजा ले तो हमें मालूम होगा कि इन अजीम हस्तियों ने नज़म ज़ब को सख्ती से अपनाए रखा नजम्ब की इस पाबंदी की वजह से उन्हें कामयाबियां मिली अब इसकी मिसाल है कि कायदे अजम मोहम्मद अली जिना की जिंदगी नजमो जब की बेहतरीन मिसाल है आपने अपने एक फरमान में इतिहाद और ईमान के साथ जिस बात पर ज्यादा जोर दिया है वो है नजमो जब तंजीम और हमें अपने कायद के इस फरमान पर दिलो जान से अमल करना चाहिए अगर हम इतिहाद तंजीम और ईमान को अपना रहनुमा बना लें तो आज भी हम अपना खोया हुआ वकार हासिल कर सकेंगे वकार का क्या मतलब होता है वकार का मतलब है इज्जत वकार का मतलब है इज्जत लास्ट पैराग्राफ है याद रखिए। अगर हम आप, आप इंसान बनना चाहते हैं तो हमें नजमो जब और अपने पाकिस्तान को प्यारे पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न देखना चाहते हैं तो हमें आ, हर हाल में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा यानि नजमो जब को अपनाना होगा जी, यानी नजमो जब को अपनाना होगा उसके बाद है जी कि हमें कानून का पर अमल करना होगा और जिरकी के हर मरहले पर नजमो जब से का सबूत देना होगा अगर हम तालब इल्म हैं तो जब हम स्कूल जाए कैंटीन में खड़े हों या फिर असम्बली में खड़े हों या फिर छुट्टी के टाइम जा रहे हों तो क्या है कि हमें सबसे पहले गेट को नहीं फलांगना हमने अपनी बारी आने पर बाहर निकलना है या रश नहीं लगाना वो जगह आपने सुकून से बारी बारी बाहर क्योंकि सबने ही जाना है छुट्टी है तो जाहिर है किसी ने स्कूल में तो रहना नहीं तो अपना इंतजार करें एक दूसरे को धक्के मत दें डिसिप्लिन का मुजाहरा करें ठीक है तो आज के लिए ये बेटा आपका टॉपिक था तो अब जो है मीटिंग आपकी एंड होने जा रही है तो आप बता दें कोई सवाल आपकी तरफ से है आपने बाकी आप के ये जो है अल्फाज मायने वो लर्न करने हैं जी यहाँ पे फिर से अब आपके सामने थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। मैं आपके लेक्चर को कि सबसे पहले हमने मफहम देखा कि नजमो जब जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके परोना पर देना ये इसका मफहम था उसके बाद अहमियत क्या है कि जो लोग नजमो जब को अपना लेते हैं वो हमेशा जिंदगी में कामयाब रहते हैं और जो लोग इसका डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करते वो नाकाम रहते हैं फिर हमने निज़ाम कायन में इसकी मिसालें सूरज चांद और मौसमों के हवाले से देखी हैं कि सूरज अपने मुक्रा वक्त पर निकलता है चांद का वक्त मुकर्र है मौसम जो है वो चारों मौसम गर्मी सर्दी बहाजा अपने अपने वक्त पर आते हैं फिर उसके बाद परिंदे हशरातुल अर्स हशरातुल अर्स का मीनिंग मैंने आपको कल भी बताया था अर्ज जमीन को कहते हैं और हशरातुल अर्स जमीन पर रिंगने वाले जानवर जैसे चूंटी है और इसके अलावा बहुत से इंसेक्ट हैं जो कि जमीन पे रिंगते हैं चूंटी की मिसाल इसलिए दी जाती है तो क्योंकि वो बहुत छोटी सी मुन्नी सी होती है लेकिन वो भी डिसिप्लिन के साथ चलती है और परिंदे आपने कभी आसमान पे देखा हो जो तो परिंदे कितने खूबसूरत लगते हैं आगे पीछे एक दूसरे के चलते हुए वो भी डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं फिर जना दीन इस्लाम में आपने देखा नमाज की मिसाल दी गई रोजे की मिसाल दी गई जो अपने अपने मुक्र वक्त पे आते हैं टाइम पे आते हैं फिर हज जो है इसका भी एक वक्त मुकरर है और उसके बाद जाहिर है कि रोजे के बाद ईद उल फितर होती है और उसके बाद जब हज होगा तो हज के बाद साथ ही तसिल हज को ईद ईद अजा होगी फिर तलेब इन की मिसाल उन्होंने अलग एक पैराग्राफ बना के दी के और क्या okay. जी की मिसाल दी कि वो जो तलेब वक्त पे काम करते हैं वो हमेशा कामयाब रहेंगे और जो नहीं काम करते वो नाकाम रहेंगे फिर इसी तरह एक प्लेयर की मिसाल दी और उसके बाद बदनजमी के मनाजिर और एंड पे ये बताया गया कि जब हम अगर खुद से नजम का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी जिंदगी इंतजार का नमूना होगी तो लिहाजा अपने मुल्क को अच्छे और चलाने के लिए तरक्की की राह पर चलाने के लिए हमें डिसिप्लिन का ख्याल रखना है अच्छा जी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है आपकी तरफ से चले फिर कल तैयार रहिएगा जी कल तैयार रहिएगा बेटा आप लोगों की एक्सरसाइज होगी और कल आपने मेरे साथ फिलिंग दी ब्लैक्स और क्वेश्चन आंसर जो है वो भी आपने करने हैं तो अब इजाजत दीजिए मुझे अल्लाह हाफिज